रुको रुको, कहीं तो आप मिस्टेक नहीं कर रहे ना। आप ये सबसे रिचार्ज नहीं भी करेंगे तो मैं आपको बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ ताकि आप रेल वायर ब्रॉडबैंड को आप रिचार्ज कर सकते हैं उस माध्यम से। आपको गूगल पे आ जाना है और यहाँ आपको टाइप करना है रेल वायर रिचार्ज, आपको क्लिक कर देना है और अब आपको इस पे क्लिक करना है ब्रॉडबैंड इंटरनेट पे। आपको रिचार्ज माई अकाउंट पे क्लिक करना है, एग्जिस्टिंग कस्टमर लॉगिन अपना स्टेट को आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे आपको इंटर यूजर नेम या मोबाइल नंबर या सब्सक्राइबर आईडी आप यहाँ पे दे देना है। आपको ओटीपी वेरिफिकेशन टैप ईमेल या एसएमएस आप जिस पे क्लिक कीजिएगा उस माध्यम से आपके पास एसएमएस आएगा। मैं एसएमएस पे क्लिक कर लेता हूँ, देन सबमिट पे क्लिक करना है। आपको ओटीपी सेंड, आपके मोबाइल फोन पे ओटीपी गया होगा, ओटीपी को आपको एंटर कर लेना है, देन सबमिट पे क्लिक कर देना है। देन डायरेक्ट आपके सामने सेलेक्ट ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यदि नहीं आता है अकाउंट समरी में क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है रिचार्ज वाले ऑप्शन पे। देन आपको एनटीटी डाटा में करना है, यदि फोन पे गूगल पे पेटीएम यदि प्रॉब्लम करता है कभी रिचार्ज में किसी भी समय तो आप यहां से डायरेक्ट रिचार्ज कीजिएगा, यहां कभी प्रॉब्लम नहीं होता है। आपको एनटीटी डाटा पे यहां पे क्लिक करना है, देन आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। नीचे चार्ज पे आपको क्लिक कर देना है, यहाँ आपका अमाउंट दिख रहा होगा रिन्यूअल चार्ज है, पे पे आपको क्लिक करना है। यहाँ रिडायरेक्ट हो चुका है पेमेंट के लिए, मैं जो बताने वाला हूँ आप समझिएगा ध्यान से कि आप इस तरह से भी पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग पे क्लिक कर देना है आप, देन अपना बैंक को सिलेक्ट कर लेना है और आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है। प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका है, यूजर और पासवर्ड लॉगिन करके पेमेंट कर देना है। यहाँ पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है, ये रिडायरेक्ट हो रहा है। अब यहाँ देखिए पेमेंट गेटवे रिस्पॉन्स सक्सेस। तो इस प्रकार आप रेल वायर ब्रॉडबैंड को रिचार्ज कर सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू यदि गूगल पे फोन पे में प्रॉब्लम हो तो। थैंक यू सो मच।